सर अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 to 20 days है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं सिली मिस्टेक्स की, तो सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का, देखिए सर सिली मिस्टेक्स में दो टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ हैं यहाँ पर गौरव कुमार, AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1, गेट 2022, मतलब पिछले ही साल इन्होंने रैंक 1 लाया। तो मैंने सोचा, मैंने बात करी और गौरव को मैंने बोला, यार थोड़ा सा अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब में, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे परिवार में जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा अपन गाइडेंस दे पाएं। तो इसके लिए गौरव मेरे साथ है और मैं अपने सवालों के साथ में हूं। तो ये मेरे पास है सवाल, करेंगे गौरव से बात। तो सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं और करते हैं सवालात गौरव से, जो कि है रैंक 1 2022 गेट एग्जामिनेशन में। ये मैंने सवाल बकायदा लिख के रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि कुछ सवाल मिस हो जाए। तो स्टूडेंट के जो मोस्ट वांटेड 5 questions थे वो मैं गौरव से पूछने वाला हूं। तो पहला जो सवाल है गौरव आपसे, वो ये है कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि टेस्ट में, अभी चूंकि बहुत ही कम समय हमारे पास गेट के एग्जामिनेशन में बचा है, तो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे रहा होगा, तो टेस्ट के लिए बेस्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए, और लास्ट जो 5 mock test है इससे हमारे पास क्या आउटकम आना चाहिए, या इसके लिए माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए एक स्टूडेंट का, जो कि आने वाले टाइम में गेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सर अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 to 20 days हैं बिफोर गेट एग्जाम। सो अगर आप मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो हार्डली आप 6 to 7 mock test दे सकते हैं इस ड्यूरेशन में। राइट तो अभी काफी सारे लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट जनवरी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा। तो माइंडसेट के बारे में बात करूं तो आपका माइंड मतलब माइंड सेटअप इस तरह से रहना चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप एग्जाम एकदम बिल्कुल भी एग्जाम एनवायरमेंट में, तो मतलब कि जिस तरह का आपका मेन गेट एग्जाम होता है, तो जस्ट लाइक 3 hours आपको कंटिन्यूअसली बैठना है। आप ट्राई करो कि आप ऐसी जगह पे बैठो, थोड़ी शांत जगह पे बैठो। अगर आप रूम में बैठ रहे हो तो वहां पर देखो कि कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। और ऐसा तो मतलब बिल्कुल भी जो एग्जाम जो गेट एग्जाम का आपका माइंडसेट होता है तो वहां पर आप पे प्रेशर रहता है, काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि आपके आपको पता रहता है कि ये मेरे पास जो है ये आखिरी मौका है। लेकिन मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं होता। मॉक टेस्ट में आपको पता है कि अगर मैं कुछ मिस्टेक्स करूंगा अभी तो मेरे पास एक और चांस है। राइट राइट तो आप एकदम एकदम गेट गेट एग्जाम वाला माइंडसेट आप डेवलप नहीं कर सकते। तो फिर भी आप ट्राई करो कि आप जितना ज्यादा उस एनवायरमेंट को सिमुलेट कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अगर मैं बात करूं कि लास्ट के 4 to 5 mock test में आप क्या कर सकते हो, कि जैसे कि अगर आपने टेस्ट अभी से मॉक टेस्ट स्टार्ट किया होगा, अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लानिंग करेंगे आप एटलीस्ट 15 mock test तो जरूर लगाएं। तो अभी आपकी जो भी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी होगी, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि वो एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों का होता है कि टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है जो आपने अभी तक फिक्स कर ली है कि नहीं मैं इसी इसी वे में पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, तो आप लास्ट के जो 5 mock test है आप ट्राई करो कि सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करें। तो Correct. लास्ट में आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। अगर कुछ आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो आप वो कर लो, बट ट्राई करो कि लास्ट के 5 mock test जो आपने स्ट्रेटजी पहले लगाई हुई है आप उसी को फॉलो करो, और आपको गेट एग्जाम में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। करेक्ट करेक्ट, मैं यही चाह रहा था कि एग्जैक्टली इसी टाइप से ही मैं आंसर भी एक्सपेक्ट कर रहा था। एक और पॉइंट आता है यहाँ पर टेस्ट के साथ में रिवीजन, और रिवीजन के साथ में पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर शॉर्ट नोट से रिवीजन करें, रिवीजन कैसे करें? तो गौरव से जानते हैं कि रिवीजन के लिए बेस्ट आपके अकॉर्डिंग प्लान कैसा होगा इस ड्यूरेशन में, कि रिवीजन के लिए बेस्ट आपके पास किस माइंड सेट से और कैसे रिवीजन करना चाहिए, और जिससे हमारा गेट का एग्जाम बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लिखे। सर एक्चुअली अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में आपके शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप लाइक पहले रिवीजन करते हो, जैसे कि पेपर फर्स्ट आप फर्स्ट टाइम आप जब सबमिट करते हो तो उस टाइम आप फुल नोट्स रिवाइज करते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बट जनवरी में आपको रिविजन भी करना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, और अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव भी करना है। तो Correct. आपको काफी सारी चीजें एक साथ करनी है, और एट द एंड होता है कि जनवरी में आपको एक साथ 10 से 12 सबमिट रिवाइज करने पड़ते हैं। तो उस टाइम आप फुल नोट्स पे नहीं आ सकते। फुल नोट्स पे आप जाओगे तो वो आपका एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में पूरा पूरा दिन ले लेगा, और उतना टाइम आप अलॉट करना इन रिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो रिविजन के लिए आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली आप टेस्ट सीरीज में आपके जो भी मतलब मिस्टेक्स हो रहे हैं या जो भी वीक टॉपिक्स हैं या वीक सब्जेक्ट्स हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो।
आप ओके शॉर्ट नोट्स, एक तो आप कर सकते हो कि आप शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हैं तो हार्डली, अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो आप 2 to 3 subjects पर डे रिविजन में आप लगा सकते हो यूजिंग शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद स्पेसिफिकली अगर आपके कुछ बहुत ही कुछ वीक टॉपिक्स हैं जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि मेरे क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली आपको फुल नोट्स की जरूरत पड़ेगा तो फुल नोट्स आप देखो, फुल नोट्स देख सकते हो। बट एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो आपका शॉर्ट नोट्स पे ही होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज और रिविजन एंड दिस सिली मिस्टेक्स का जो आपका होता है उसका आपको देखना है, उसको रेक्टिफाई करना है। राइट इन राइट चीजों पर आप राइट राइट खासकर फोकस। ओके तो मिस्टेक्स की बात करी, सिली मिस्टेक्स की बात करी। तीसरा जो सवाल है गौरव वो यही था कि मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज करें। और आज चूंकि बच्चा जो है रिवीजन भी कर रहा होगा, मॉक टेस्ट भी दे रहा होगा, क्योंकि आज 15 जनवरी है, तो अगर मैं बात करूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो इनको मिनिमाइज करने के लिए एक ऑल इंडिया रैंक वन का क्या सजेशन होगा? सर एक्चुअली अगर मैं बात करूं सिली मिस्टेक्स की, तो सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का, देखिए सर सिली मिस्टेक्स में 2 type की मिस्टेक्स हो सकती है। एक तो हो गया कि कैलकुलेशन एरर्स को मैं थोड़ा सा, मतलब सिली मिस्टेक से थोड़ा सा मैं अलग ही मानूंगा, ओके ठीक है? ओके क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की भी सर बहुत वैरायटीज होती हैं। लाइक इस तरह का मिस्टेक्स हो गया कि आपने कुछ फॉर्मूला में मिस्टेक्स कर दिया। बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स सही करने का आप ये कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन सही से रीड करना है, ठीक है? स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो भी मिस्टेक्स होती हैं, अगर आप कैलकुलेटर में अगर आपने कुछ गलत वैल्यू पुट कर दिया, मतलब सही राइट से वैल्यू पुट नहीं किया, वहां पर इश्यू हो सकती है। या फिर क्योंकि जनरली सर जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं गेट में, वो बेसिकली मोस्टली जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो वर्चुअल कैलकुलेटर के थ्रू ही करते हैं। यस यस तो यस आइदर वहां पर कैलकुलेशन एरर का ज्यादा चांसेस तभी बनेगा जब आपने सही से कैलकुलेटर में आपने डाटा पुट नहीं किया, राइट एक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और कर सकते हो तो आप माइंड कैलकुलेशन अपने अच्छे रखो, ठीक है? आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा, आप अगर 20 10 20 seconds अगर आप एक्स्ट्रा टाइम भी देते हो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप रश में नहीं रहेंगे, आप राइट क्वेश्चन को पूरा टाइम देंगे मतलब कि सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप 10 20 seconds एक्स्ट्रा भी अगर आप देते हो, तो अगर उससे आपके सिली मिस्टेक्स अगर आप नहीं हो रहे तो करेक्ट एट दी एंड वो बेटर ही है, ठीक है? तो आप 10 20 seconds एक्स्ट्रा दे करके अगर सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर पा रहे हो तो आप करो। तो बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक्स की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको वैल्यू सही से पुट करना है जो भी कैलकुलेटर में हो गया आपका। इसके अलावा माइंड कैलकुलेशन आप सही से कर सकते हो। इसके अलावा सिली मिस्टेक्स जो दूसरी टाइप की मिस्टेक्स होती है, जैसे कि कुछ यूनिट्स में मिस्टेक्स हो जाती है लोगों की, कि यूनिट गलत दिख गया, या फिर जो आंसर पुट किया उसका यूनिट, मतलब वो यूनिट, मतलब मैंने कुछ और पुट कर दिया और क्वेश्चन में कुछ और यूनिट पूछ रहा था, इस तरह की करेक्ट मिस्टेक्स होती है। फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक्स हो गया, तो इस तरह के मिस्टेक्स के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अलग से कॉपी बनाइए, एक आप अलग से कॉपी बनाइए, और मतलब जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसको आप सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन कीजिए, ठीक है? ओके जैसे कि नेटवर्क्स हो गया, मशीन्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो जो जिस वैरायटी की आपकी मिस्टेक्स होती हैं उसको आप सब्जेक्ट वाइज आप नोट डाउन कीजिए। तो धीरे राइट धीरे क्या होगा कि उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जितने ज्यादा मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके मिस्टेक्स कम होने लगेंगी उस सब्जेक्ट्स में। तो इस वे में आप मिनिमाइज कर सकते हैं सर, और सिली मिस्टेक्स और जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं इसको इसको सर मिनिमाइज करने का एक प्रोसेस होता है। ये आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दिन 15 दिन में आप इसे मिनिमाइज कर लोगे, एटलीस्ट आपको 1 month 1.5 months इतना टाइम आपको देना रहता है इसके लिए। तो अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है स्टूडेंट्स के पास, भाई ये सारे सजेशंस आपके काम आने वाले हैं। और यहाँ पर आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कि जो 15 से 20 दिन अगर बचे हुए हैं हमारे पास एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको अपन बोलते हैं प्रेशर मैनेजमेंट या फिर फियर मैनेजमेंट। क्योंकि बच्चों को गौरव यार डर तो लगेगा ही कि भैया 20 दिन बचे हुए हैं और कैसे हम क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट उससे निकाल सकते हैं इन 20 दिनों में। तो गौरव, फियर मैनेजमेंट या फिर प्रेशर मैनेजमेंट के लिए आपके पास कुछ एकदम शॉर्ट टिप्स हो तो वो स्टूडेंट्स को जरूर सजेस्ट करो। सर अगर प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर सब पे रहता है। इवन जब मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था, इवन मैंने जो भी अटेम्प्ट दिए हैं, 3 अटेम्प्ट दिए हैं, सारे में मुझ पर प्रेशर था, सारे इवन सारे एग्जाम्स में मुझ पर प्रेशर था। और प्रेशर, एक चीज मैं बोल सकता हूँ सर, प्रेशर एकदम नहीं भी होना वो भी सही नहीं होता, और प्रेशर बहुत ज्यादा होना वो भी सही नहीं होता। अगर करेक्ट आप पर प्रेशर बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप सीरियस नहीं हो गेट एग्जाम को लेकर के, आप केयरलेस हो, और बहुत ज्यादा प्रेशर होने से आपका वो परफॉर्मेंस इंपैक्ट कर सकता है। तो थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, और अगर आपको प्रेशर आ रहा है ना तो आप बस ये चीज सोचो कि इवन जो मतलब सारे एस्पिरेंट्स हैं, जो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सब पे प्रेशर होगा, तो आप अकेले नहीं, उन पर प्रेशर है।
आप बस ये सोचो कि प्रेशर सब पर है, ठीक है, प्रेशर सब पर है और उसमें मुझे बेटर करना है। ओके तो अपने को ये लेकर के चलना कि पूरे एनवायरमेंट में ही एक तरफ से प्रेशर है और हमको उसको हावी नहीं होने देना और हमको लेकर के चलना है। अच्छा गौरव, लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं, मैं लास्ट क्वेश्चन को जब वाइंड अप करें तो अपने साइड से भी कुछ पॉइंट अगर आपको ऐड करना है तो बिल्कुल ऐड करें कि आपके अकॉर्डिंग वो जो गेट का एग्जाम का 3 घंटा होगा, वो 3 घंटे के लिए यार माइंड सेट कैसा रहे कि उसका जो आउटकम है वो बहुत अच्छा निकले उस 3 घंटों में, जिस दिन बच्चा गेट का एग्जामिनेशन लिख रहा होगा और फैब में वो गेट का एग्जामिनेशन देने बैठा है। हाँ सर, सर एक्चुअली अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्पेशली अगर इस साल का पेपर की बात करूँ तो इस साल का पेपर आईआईटी कानपुर सेट कर रहा है। तो जैसा कि देखा गया लास्ट के टू पेपर्स में जो आईआईटी कानपुर ने सेट किए, चाहे 2007 हो गया, 2007 हो गया, फिर 2015 हो गया, करेक्ट, तो पेपर स्पेशली अगर जनरल बात करूँ तो वो थोड़ा टफ पेपर सेट करते हैं, तो ऐसा माइंडसेट। तो इस बार भी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पेपर थोड़ा टफ आएगा। तो मैं एक चीज बोलूंगा, जब आप गेट एग्जाम जब देने जाएं तो आप ऐसा कुछ भी प्री अजम्पशन करके मत जाएं कि पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा। आप एक, अगर आपको कुछ अजम्पशन करना भी है तो आप एक मॉडरेट लेवल का पेपर एक्सपेक्ट करके जाओ, कि जस्ट लाइक अगर 65 क्वेश्चंस आते हैं गेट में, तो जनरली मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप अटेम्प्ट फिक्स कर लो कि पेपर कैसा भी आएगा मैं इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। क्योंकि अगर आपको एक अगर आपको कुछ सेट करना है तो फिर भी आप 55 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि 55 मुझे अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर ईजी आ गया तो 55 से आप 60 जा सकते हो, और अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो 50 या 45 तक जा सकते हो। तो हमेशा एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। जनरली मैं नहीं बोलता कि आप प्री अजम्पशन करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि पेपर बहुत टफ आएगा जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं, और हो सकता है कि अगर पेपर इजी आ गया, पेपर इजी आ गया और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो मतलब कि 60-65 बहुत काफी लोगों ने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उनकी रैंक आ गई और आपने जस्ट केयरफुल होने के चक्कर में आप उतना कर सकते थे, 50-55 कर सकते थे, लेकिन आपने कि पेपर टफ आएगा या पेपर टफ है तो इसलिए मैं उतना करने नहीं जाता। तो जनरली मैं बोलता हूँ कि आप अजम्पशंस करके ना जाएं। और गेट एग्जाम से पहले अगर मैं बात करूँ तो जनरली मैं बोलता हूँ कि आप एक अच्छी नींद लें, ठीक है। तो अगर जिनका मॉर्निंग में एग्जाम होता है तो रात में सही से सोएं, बट जनरली हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं हार्डली, अगर गेट एग्जाम के पहले की बात करूँ तो मैं मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सो पाया था, क्योंकि प्रेशर होता है आपका, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की होगी तो आप पे वो रहता है कि नहीं मुझे अच्छा करना ही है, क्योंकि आपके पास सब कुछ एक तरह से होने के लिए होता है। तो मेरे साथ ऐसा ही था, तो गेट एग्जाम के पहले मैं सो नहीं पाया था। तो एक चीज मैं बोलूंगा कि आप सेंटर पे जब आप पहुंचते हो तो आप ट्राई करो कि आप एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। तो आपका, तो उससे पहले होगा कि आपके थोड़े मतलब कि आपका मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स थोड़े से एलिमिनेट हो जाएंगे, कि मतलब आपको ज्यादा सोचने का नहीं रहेगा कि मेरा सेंटर कहाँ है, मतलब कैसे मुझे जाना है, क्या करना है। आप वहां पर 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। और जनरली मैं बात करूँ तो आपका जो स्टार्टिंग का जो हाफ एन आवर होता है, स्टार्टिंग के जो एग्जाम एग्जाम के हाफ एन आवर होते हैं वो काफी ज्यादा क्रूशल होते हैं, क्योंकि उस टाइम नर्व्स होती हैं, तो ये नर्व्स सबके साथ होती हैं। तो आपको वो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स अगर आपने हैंडल कर लिया सही से, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स बहुत ही क्रूशल होते हैं। उसमें आप ट्राई करें कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या तो आप अगर एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप टेक्निकल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं आप ट्राई करो कि वो क्वेश्चंस इजी हो, मतलब वो आपसे तुरंत बने। आपको स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने आप किसी टफ क्वेश्चन के पीछे लग गए और वो क्वेश्चन अगर टाइम ले लिया या आपसे नहीं बना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा वो डाउन कर सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और उसके लिए आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जस्ट स्टार्टिंग के 30 मिनट्स अगर आपने सही से फोकस कर लिया ना, तो आपका वो एग्जाम फ्लो बन जाएगा, राइट, तो फिर आप बहुत करेक्ट। तो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे साथ है गौरव, AIR 1 2022 इलेक्ट्रिकल। और मैं चाहता था कि मैं इस वाले जो मैं ये सेशन प्लान कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत ही कम बोलूँ और पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो गौरव दें, ऐसा ही हमने प्लान किया था। और मैं आपको बता दूँ कि यार जितने सजेशन हैं आई होप आप सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और सारे के सारे स्टूडेंट्स यार गौरव के साइड से, अगर गौरव आप लास्ट में अगर कुछ अपने साथ में बेस्ट विशेस उनको देना चाहें तो बस जाते जाते आप बेस्ट विशेस दे सकते हैं। मेरे साइड से बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ सर, तो मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार का जो स्पेशली मैंने ये स्टैट्स देखे थे कुछ, तो इस बार शायद इलेक्ट्रिकल में शायद 70,000 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है, तो और अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पब्लिक सेक्टर्स की,
तो इस बार काफी ऐसा चांस है कि आपको मतलब इवन 500 रैंक्स तक भी काफी आपको पीएसयू मिल सकता है, मतलब अच्छी पीएसयू मिल सकती है। तो आप एफर्ट लगाएं, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन अगर 60-70% भी हुई है, 70-80% भी हुई है, फिर भी आप एक बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो। क्योंकि आई थिंक गेट 23 एंड स्पेशली अगर बात करूँ तो 2023 गेट के लिए एक गोल्डन ईयर होने वाला है, स्पेशली फॉर दिस मेजर ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, फॉर दिस ब्रांचेस, क्योंकि पीएसयू रिक्रूटमेंट्स काफी ज्यादा होंगी। और जैसा कि मैंने मैंने स्टैट्स जो देखा था तो कंपटीशन थोड़ा सा गेट में इधर 1-2 साल में थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा चांस है कि अगर आप अच्छे से करोगे तो आप अच्छा एक रैंक ले, अच्छा रैंक ला सकते हो। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।